मेरे बारे में यानी मैं सही मेरा परिचय भीख मांगने वाली भाई माधव है 72 पूर्ण 73 शुरू। मैं स्टेशन रेलवे में रेल में भीख मांगती थी और भिक्षा मिलने के बाद रात को मैं स्टेशन पर रहती थी। मेरे पास कुछ नहीं था, 10 दिन की बच्ची थी मेरी। मला एवढं मोठं व्हायचं नव्हतं, माझ्याजवळ काही नव्हतं, 2 हस्तक 3 हस्तक, पण गाणं होतं। मी देवाचं गाणं म्हटलं की मला खाणं मिळायचं, आणि मला खाणं मिळालं की मी विचार करायची बाकीच्या भिकाऱ्यांना मिळालं नाही मला मिळालं तर वाटून खाणं मन म्हणायचं माझं, बाटके खाओ। फिर मैंने जो भिक्षा मेरे को मिली वो मैंने बाट के खाई, जिसको मैंने खाने को दिया वो मेरे को छोड़ के नहीं गए बाबा। रात को मेरे गिरदे गिरदे सोते थे, मेरे को बीच में सुलाते थे, मगर वो ओरिजिनल भिखारी जल्दी जल्दी सोते, मैं डुप्लीकेट भिखारी, मेरे को नींद नहीं आती। फिर मैं रात को सोचती कि अभी भिखारी सो गए, मैं 20 साल की थी, अभी मेरे को कोई उठा के ले गया तो फिर मैं वहाँ से बाहर पड़ती और मैं शमशान में जाती बेटा। मेरा शमशान में जाना इतना ही था कि मरने के बाद लोग शमशान में जाते, रात को कोई नहीं आते, और जब किसी ने मेरे को देखा ना तो वो चिल्ला चिल्ला के भाग जाता भूत भूत करके। ओरिजिनल भूत तो मैं ही होती। तब मैं सोचती कि मेरी ज़िंदगी मेरी है क्या, ये जो मेरे को खाना मिला वो मेरे लिए है क्या, बांट के खाओ और भी दुख है, चलो अपना दुख लेके घूमने से और दुखों के लिए तुम काम करो। और फिर मैं अनाथ थी तो अनाथ के लिए काम करना शुरू किया, यहाँ तक आ गई। अभी तो 4 राष्ट्रपति सम्मानित हूँ मैं, मगर नॉन ग्रांटेड हूँ मैं 22 देश जाके आई, फॉरेन रिटर्न नौवारी, मगर भाकरी नहीं घरी, ऐसी हमारी हालत है बाबा। इसलिए भाषण करने के बाद मेरे को राशन मिलता है और राशन मिलने के बाद बच्चे खाना खाते हैं बेटा। मैं घर में नहीं रहते, मुक्कम पोस्ट फिरस्ती, जहाँ खाना वहाँ बसती। अरे 4 बार विचार आया मेरे को, मैं मरना चाहती थी मगर मरीच नहीं ना। मैं एक दिन शमशान में मरना चाहती थी, बहुत बुखार था, खाने को नहीं मिला था, पत्थर चबा के खाया ऐसा लगता था, मगर ताकत नहीं थी ना पत्थर खाने की, इसलिए मैं रो रही थी शमशान में। मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कोई भी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। अंदर से आवाज़ आई, गलती कर रही सिंधुताई, यानी कलेजे का आवाज़ सुनो बेटा, गलती कर रही सिंधुताई, मरना चाहती है। अरे मरने वाले बहुत है, जीने वाला तो कोई होना चाहिए ना। और एक बात है सिंधुताई, मेरा दिल मेरे को बोल रहा था कि कफन को जेब नहीं होती, मेरे पास कुछ नहीं बोल रही तू, कफन को जेब नहीं होती और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती, जब सरेंगे तब मरेंगे ऐसा तय कर, मरने वाले के लिए जीना सीख। और मैंने मरना कैंसिल किया, मरना कैंसिल। अरे बाबा, अरे बाबा, मेरी दिनचर्या खतरनाक। मैं सुबह उठने का, मैं 4 बजे आती तो कब उठूं, सोती कि नहीं, मैं मुक्कम पुष्ट फिरस्ती, जहाँ खाना वहाँ बसती। मैं रात बेरात घर आती, 2-4 तास कभी 2 घंटा मैं सोती, फिर गाड़ी में बैठती, बस देंगा उसका भला ना देंगा उसका भी भला। मैं शाकाहारी, प्योर शाकाहारी, और मेरे को ना बासा बहुत पसंद होता है, क्योंकि जिंदगी में बासा ही मिला मेरे को, ताजा नहीं मिला ना, इसलिए रात का मैं सुबह खाती, सुबह का शाम खाती, और गठुड़ा बांध के गाड़ी में लेके जाती और वो खाती थोड़ा थोड़ा। नहीं क्या है बेटा, पहली बार, और मैं पढ़ी भी नहीं ना, चौथी पास हूँ मैं, हाफ टाइम, फुल टाइम नहीं। सुबह भैंसा चराया, भैंसा पानी में बैठने के बाद मैं स्कूल गई, एंड मैं अमेरिका जा रही, क्या बात है, डर लगता था और ऐसा लगता था कि ईमान बतकन पड़ा नीचे तो क्या करूँ, धड़धड़ हो रहा था मेरे को, मगर मैं अमेरिका जीत के आई बेटा, अभी तो 22 देश जाके आई मैं। अरे एनर्जी सब यही बोलते मेरे को, एनर्जी कहाँ से लाती। अरे बाबा, मेरे सामने मेरे बच्चे की पेट की भूख होती है, मेरे बच्चे रो रहे होंगे अभी खाने के लिए, ये मेरे सामने होता है बेटा। एनर्जी कैसे आती है, वो बच्चे की भूख मेरे को चलाना सिखाती है। चल सिंधुताई, बहुत कुछ करना है, और ये भूख के लिए मैं घूमती नहीं, खुद को भूल जाती मैं। नहीं, मैं भविष्य की बहुत योजना नहीं कर सकती बेटा, आप मरे डूब गई दुनिया, क्या भविष्य देखो रे मैं, बस चलना है,
आगे की बात खुदा के हाथ चलना है बस। नहीं, यही संदेश देती बेटा माए कि किसके ऊपर दुख आना नहीं चाहिए, और आए तो खुद का दुख का प्रदर्शन करने के बजाय दूसरे को दुख में इन्वॉल्व हो जाओ, अपना दुख कम होता है बेटा। जीना सीखो, मरना नहीं, और मरने वाले के लिए जीना सीखो, बहुत अच्छा। खंत मत करो, दुख मत मानो, दुखियों के पास जाओ। तुम बांट के खाए ना तुम्हारी भूख चली जाती है बेटा, मैंने वही किया। और एक बात है बेटा कि जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, कोई बात नहीं। जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था। अपने कलेजे के घाव अपने को मालूम होते बेटा, वो किसको नहीं समझते। इसलिए घाव के लिए दूसरा घाव ढूंढो, अपनी तकलीफ कम हो जाते बेटा। कोई किसी का नहीं होता। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, जनाजे यानी प्रेत यात्रा, मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। किसकी राह देखते हैं, चलना सीखो, मगर चलते चलते पीछे मुड़ना भी सीखो बेटा। कहाँ थी, कहाँ तक आ गई, ये सोचो। मैंने वही किया ना।